नमस्कार, स्वागत है आप सभी का के न्यूज पर। सुबह बोलेगा में मैं हूं आपके साथ मनीष बाजपेयी। 20 सड़क मजदूरों के मेले में 20 सड़क मजदूरों के मेले में मैंने बचपन बिकते देखा है। भूखी आंखों में रोटी के सपनों को मरते देखा है। कहने को तो दुनिया में हर ओर गरीबी पसरी है, कहने को तो दुनिया में हर ओर गरीबी पसरी है। कहीं रोटी पे तन बिकता है, कहीं तन पे रोटी बिकती है। ये वो हकीकत है जिस हकीकत से बार बार इसको झुठलाने की कोशिश की जाती है। यह बताया जाता है कि यह देश विकास कर रहा है, माना कि यह देश विकास कर रहा है, लेकिन किस कीमत पर और किस बुनियाद पर? उत्तर प्रदेश की सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं और इस वक्त जो सत्ता में दल है उसका तो मूल विचार ही अंत्योदय का है, यानी कि अंतिम व्यक्ति, समाज के अंतिम छोर पर जो अंतिम व्यक्ति है उसका उदय हो, यही तो अंत्योदय है और इसी के लिए तो ये सरकार है। लेकिन बावजूद इसके जो खबर हम आपको दिखाने वाले हैं वो महज एक खबर नहीं है, वो है सरकारी योजनाओं की वो हकीकत जो कि आपके लिए देखना जरूरी है, आपको समझना जरूरी है। हो सकता है कि एक परिवार की कहानी हो, लेकिन कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि उत्तर प्रदेश में ऐसे न जाने कितने परिवार हों। इसीलिए यह खबर देखना जरूरी है। यह खबर जौनपुर से है, देखिए इस खबर को। गरीब की रोटी लड़ती है भूख से, कब मिलेगी सपनों वाली रोटी? मासूमों को रोटी वाली परी का इंसान कौन बनेगा? इस भूखे परिवार का मसीहा सुला दिया माँ ने भूखे बच्चे को ये कहकर, परियां आएंगी सपनों में रोटियां लेकर। जी हाँ, ये लाइनें आपको सुनने और पढ़ने में तो शायद बहुत अच्छी लगी, लेकिन जब एक माँ हकीकत में अपने बच्चों को रोटी के सपने देखने को कहे तो क्या कहा जा सकता है? इस तस्वीर को देखकर आपको लग रहा होगा कि मासूम बच्ची शायद खाना बना रही है, लेकिन रुकिए, इसकी हकीकत हम आपको बताते हैं। ये ठंडा पड़ा चूल्हा, खाली पड़ा बर्तन इस बात की गवाही दे रहा है कि घर में अन्न का एक दाना तक नहीं है और माँ अपने तीनों मासूम बच्चों का पानी पिलाकर पेट भर रही है। जौनपुर के जिला मुख्यालय से 48 किलोमीटर दूर सुईथा कला ब्लॉक के रामनगर गांव में राजेश कुमार की पत्नी सावित्री देवी अपने बच्चों के साथ घर की चौखट पर बैठकर उस मसीहे का इंतजार कर रही है जो उनके बच्चों और उनके परिवार का पेट भर सके। हमारे बच्चे रात 2-3 दिन हो गया गाते खाए पिए नहीं है। इनके पास कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, अब तक इनका राशन कार्ड भी नहीं बना है जिससे इनको सरकारी अनाज मिल सके। पति पिछले कई सालों से बीमार चल रहा है, सावित्री के पास दवा के पैसे भी नहीं है, फिर भी बीमार पति अपने परिवार को भूखे देखकर चाय बेचने के लिए निकलता है। लेकिन इस महंगाई के दौर में अपने परिवार को 2 जून की रोटी तक नहीं खिला पाता। घर भी ऐसा जर्जर कि बरसात में जाग कर रात बितानी पड़ती है। सावित्री
सरकारी सहायता के लिए अधिकारियों के दफ्तर पर गुहार लगा चुकी है, लेकिन वहां से भी उसे निराशा ही मिली। तो राशन कार्ड नहीं बन रहा है, न राशन मिल रहा है हमको। और 15 साल से कहते, कोई कहते राशन कार्ड के लिए दौड़ रहे, मिल नहीं रहा है और न ही कोई सुनवाई हो रहा है हमारे पास। कहते मैं वही लगती हूँ कि कोई अधिकारी ऐसा आ जाए कि हमारा कहते सुन ले। कहते मैं कहते अपना राशन कार्ड, हमारा भी छोटे छोटे 3 बच्चे हैं हमारे पास। हमारा आदमी कहते कोई इतना बिजनेस है नहीं कि हमारे 2 बच्चे कहते 3 बच्चे कहते पल जाए कैसे। और घर भाई है यही कि कहते रात में पानी बरसता है तो दिन में बैठे कहते रात के बैठे रहती हूँ। प्रदेश सरकार का फरमान है कि प्रदेश के किसी भी जिले में अगर कोई भूख से दम तोड़ता है तो गाज जिलाधिकारी पर गिरेगी। लेकिन वो जिम्मेदार अधिकारी कहाँ है जिन्हें अपने जिले की खबर तक नहीं है। अब देखना ये है कि सीएम योगी कब इस परिवार के लिए कोई मसीहा भेजते हैं। जौनपुर से के न्यूज के लिए अमित गुप्ता की रिपोर्ट। कोई भी व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा या बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति भी इस बात को दावे के साथ कह ही नहीं सकता या ये जहन में भी नहीं ला सकता कि ये उत्तर प्रदेश भर में यही एक इकलौता परिवार है जो लाचार है, जो बीमार है, जिसके पास खाने को भोजन नहीं, 2 वक्त की रोटी नहीं है। ऐसे कई और परिवार होंगे, निश्चित तौर पर ऐसे कई और परिवार होंगे। और ये खबर इसलिए महत्वपूर्ण है कि कम से कम इन दुखी पीड़ित लोगों की आवाज भी तो आनी चाहिए। देश में बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं, देश के विकास की बात होती है, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इन तमाम बड़े मुद्दों में ये छोटे मुद्दे कहीं खोके रह जाते हैं। और इसीलिए के न्यूज इस परिवार का दर्द आपके सामने लेकर आया है, क्योंकि ये भी एक पूरा का पूरा वर्ग है। जैसा कि सियासत में तमाम नेता कहते रहते हैं कि दुखी पीड़ित वंचितों के नेता हैं, इनके लिए सरकार बनी है। तो अगर इनके लिए सरकार बनी है तो फिर ये भूखे और लाचार क्यों बने हुए हैं अब तक? यानी कि आपके कथनी और करनी में अंतर है, इसीलिए तो ये भूखे और लाचार हैं। और अगर ऐसा है तो फिर ये सोचना पड़ेगा कि ये सरकार क्यों है, ये सोचना पड़ेगा। आपके जहन में जो हमारे तमाम दर्शक इस वक्त हमसे मुखातिब हैं, जो हमें देख रहे हैं, जो हमें सुन रहे हैं, वो अगर इस मुद्दे पर कुछ कहना चाहते हैं तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर दिख रहा है, इस नंबर पर आप हमें फोन कर सकते हैं। हमें आपके विचारों की प्रतीक्षा है, आपकी आप जो सोचते हैं वो जरूर हम जानना चाहते हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम आपके लिए ही हम करते हैं। लेकिन एक गुजारिश वो इस बात की कि जब भी आप हमें फोन करें, और ये मैं बार बार कहता हूं, कृपया करके आप अपने टेलीविजन की आवाज को बंद कर दें और उसके बाद हमें फोन लगाएं। इस वक्त जो खास मेहमान हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं उनसे तारुफ करवाना चाहेंगे। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ दिलीप श्रीवास्तव जी हैं, समाजवादी पार्टी से इस समय हमारे साथ प्रदीप सिंह जी हैं, और सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर ताहिरा हसन जी जुड़ रही हैं हमारे साथ में। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहला सवाल हम जरूर ताहिरा हसन जी से करना चाहेंगे, मामला समाज का है। और जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि ये एकमात्र इकलौता ऐसा परिवार हो तो आज ही रातों रात इसको लखनऊ पहुंचा के और माननीय मुख्यमंत्री जी से मदद दिलवा के या जिलाधिकारी मदद दिलवा दिए जाए और बात खत्म हो जाए और मान लिया जाए कि रामराज्य हो गया, रामराज्य की कल्पना साकार होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसे कई परिवार होंगे। और इसीलिए इस खबर को हम दिखा रहे हैं, इस मुद्दे को हम तमाम बड़े मुद्दों के बीच से निकालकर इस छोटी सी आवाज को हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ताहिरा जी क्या कहेंगी आप? ताहिरा जी आप तक आवाज पहुंच पा रही है हमारी? इस मुद्दे को भी हम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, मेरा मानना है ये। जी जी आवाज पहुंच रही है मनीष जी। मैं कह रही हूँ कि आपने कहा था कि अभी थोड़ी देर पहले कि बहुत से बड़े बड़े मुद्दे हैं, उनमें एक ये छोटा मुद्दा भी जो जरूरी है उठाया जा रहा, मुझे लगता है बहुत जरूरी है, बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर किसी देश या प्रदेश में जी जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है, अगर वहां कोई भूखा है और भूख से दम तोड़ रहा है तो इट इज असॉल्ट ऑन लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, जो मैं बार बार कहती हूं, इस पे हम बड़ा फक्र करते हैं। और पहली बात है, इस बात को पूरी तरह से पर्दाफाश कर रहा है कि लाल राशन कार्ड जो ब्लू पॉवर्टी लाइन बने हैं वो किस तरह बने हैं।
आप उसमें कितनी धांधली होगी कि इस महिला अंत्योदय योजना 35 किलो अनाज मिलना चाहिए परिवार को, वो नहीं मिल रहा है। लाल राशन कार्ड में 5 किलो पर व्यक्ति मिलना चाहिए, 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल, वो मैसर नहीं है, वो साफ दिखाई दे रहा है। और इतना ही नहीं है, राइट टू फूड जो फूड सिक्योरिटी बिल का झुंझुना तमाम सरकारें बजाती रहती है, लेकिन सत्ता में आने वाली तमाम पार्टियों का चरित्र एक होता है, वो झुंझुना लॉलीपॉप यहाँ साफ उनकी सफाई दिख रही है। उसमें ये भी है कि 6,000 रुपए उस माँ, गरीब माँ को जो हाशिया पे है 3 महीने 7 महीने की प्रेगनेंसी से लेके, क्योंकि वो बच्चे को दूध भी पिलाएगी, 3 महीने बच्चे होने के बाद तक दिया जाएगा, उसका भी आंकड़ा अभी कोई नहीं लेखा जोखा। ये भी है कि स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक मॉनिटरी कमेटी बनाई जाएगी जो देखेगी कि उसमें कोई धांधली तो नहीं है, ट्रांसपेरेंसी होगी। ये सब कहां है, सिर्फ कागज पे है। तो ये बात साफ दर्शाता है कि इस बड़े लोकतंत्र में ये बड़ा सवाल ये है कि ऐसा क्यों है कि इसमें लोग भूखे हैं। सबसे बड़ा प्रदेश जो राजनीति की दशा और दिशा को तय करता है, वहां के मुखिया को देखना होगा कि उस प्रदेश में अगर लोग भूख से परेशान हैं तो इसकी अकाउंटेबिलिटी डीएम पे भी फिक्स होनी चाहिए, और इससे पहले जो राशन कार्ड में धांधली हुई है वहां पे भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। ठीक बात। क्या कहना चाहेंगे प्रदीप सिंह, आप पूर्ववर्ती सरकार में आप रहे हैं, ये मामला अभी 2 महीने में पैदा हो गया वो ऐसा नहीं है, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, 2 महीने में नहीं पैदा हुआ है, लेकिन आज की हकीकत यह है जो आप दिखा रहे हैं जी। भूख से अगर कोई मर रहा है तो मुख्यमंत्री जी ने भी कहा जिम्मेदारी डीएम की होगी, लेकिन डीएम या जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं वो क्यों नहीं देख रहे हैं कि जिस व्यक्ति का भी राशन कार्ड नहीं बना है, जो कम से कम मिनिमम जो चीजें देनी चाहिए, 35 किलो अनाज और तमाम चीजें जो ताहिरा जी ने अभी बताई है उसको मैं दोबारा नहीं रिपीट करना चाहता हूँ, वो क्यों नहीं मिल रहा है, इसकी भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। रामनगर की जो घटना ये तो एक वानगी है, लेकिन ऐसी घटनाएं अगर हो रही हैं तो निश्चित रूप से बहुत ही ये दुर्भाग्यपूर्ण है। चलिए, चाहे उस सरकार की, मैं इसमें कोई राजनीति की बात नहीं कर रहा, ठीक बात, चाहे वो हमारी सरकार थी या वर्तमान सरकार है, अगर किसी भी सरकार में घटनाएं हो रही है तो निश्चित रूप से नहीं होनी चाहिए। मसला यही है कि ये वो लोग हैं जिसकी जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए ऐसे लोग। प्रदीप सिंह जी, बहुत तकलीफ और वेदना के साथ में मैं ये मुद्दा उठा भी रहा हूं और अपनी बात को कह भी रहा हूं। ये वो लोग हैं जो जिला अधिकारी के अर्दली के पास भी फटक नहीं पाते। मैं कह रहा हूं दोबारा, समाज का ये वो तबका है जो डीएम के अर्दली के पास भी फटक नहीं पाता है, अर्दली भी उससे ऐसे बात करता है जैसे वो खुद जिला अधिकारी हो, मैं बता रहा हूं। और ऐसा एक व्यक्ति नहीं है, ऐसे एक लंबी संख्या है ऐसे लोगों की। हमारे साथ में ब्रज कुमार है, मेरठ से है, हमारे सम्मानित दर्शक हैं। ब्रज कुमार जी, स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे आप? ब्रज कुमार जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? कुछ तकनीकी व्यवधान है शायद। क्या कहना चाहेंगे दिलीप श्रीवास्तव जी? मुझे लगता है कि मैं बार बार इस बात को मैं यहां पर स्पष्ट कर दूं, मैं पहले भी कार्यक्रम करता था और लगातार मैं इस बात को कहता था कि कोई भी सूबे का सूबेदार, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो कभी वो ये चाहता ही नहीं कि मेरी सरकार बदनाम हो, मेरे ऊपर लांछन लगे, मेरे ऊपर दाग लगे। कोई मुख्यमंत्री नहीं चाहेगा, घर का मुखिया कभी चाहेगा कि मेरे घर के अंदर चोरी हो, डकैती हो? नहीं चाहता है, लेकिन बावजूद ऐसा होता है। और अगर ऐसा होता है तो घर के मुखिया की कार्य कुशलता पर सवालिया निशान, घर के मुखिया के मंशा पर सवालिया निशान। अगर घर में चोरी हो जाए मान लो, तो या तो वो कार्यकुशल नहीं इसलिए चोरी हो रही, आप रोक नहीं पा रहे हैं, या फिर हमें लगता है कि आप चोर से मिले हुए हैं और आप चोरी करवा रहे हैं, ऊपर से आप आंसू बहा रहे हैं। दो बातें हो सकती हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा पर कोई सवाल या निशान इवन विपक्षी दल भी नहीं उठा पाते हैं कि भाई ये व्यक्ति ऐसा करेगा, हम सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन बावजूद इसके अंत्योदय को अपनी विचारधारा में सर्वप्रथम बिंदु पर रखने वाला जो दल है वो सत्ता में है, और उसी अंत्योदय की कहानी ये आ रही सामने कि एक परिवार भूख से तड़प रहा है, 4 दिन से भूखा है, बीमार व्यक्ति, बीमार मुखिया किसी तरीके से जाके कुछ बेच बाज के पैसा कमा के ला पाता है, और वो भी अब वो ला नहीं पा रहा है, घर में पैसा नहीं है। दिलीप श्रीवास्तव जी, क्या कहेंगे आप? मनीष जी, बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दे को आपने उठाया है, और बातों ही बातों में आपने सरकार पे बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लगा दिए जी।
लेकिन मनीष जी, आपने आपके अभी इसी चैनल पे बताया जा रहा था, वही महिला पीड़ित महिला बता रही थी कि बड़े लंबे समय से राशन कार्ड के लिए वो दौड़ती रही जी। राशन कार्ड की प्रक्रिया ऑनलाइन है जनसेवा केंद्रों पे, सारे जनसेवा केंद्रों पे, जिस जनपद का है कई जनसेवा केंद्र है, पूर्ववर्ती सरकार द्वारा भी उसको शुरू कराया गया था, उन सारी जगहों पे ऑनलाइन राशन कार्ड बनते हैं। और उस ऑनलाइन राशन कार्ड में जैसे ताहिरा जी ने बताया, अब पीला नीला कार्ड नहीं, एक ही कार्ड बनता है और गरीबों का ही राशन कार्ड बन रहे हैं, और उससे सारी चीजें सीधे उस पक्ष को जिसका राशन कार्ड रहता है उसी को सीधे सीधे राशन उपलब्ध कराया जाता है राष्ट्रीय खाद्य बिल के अधिनियम के तहत। लेकिन जो पीड़ित महिला की जो तस्वीर आपने दिखाई है, और निश्चित तौर पे मान के चलिए कि उसकी मदद की जाएगी और जिला प्रशासन उसके लिए मदद के लिए खड़ा होगा, और जो हो हर संभव अर्थक प्रयास करके उसका राशन कार्ड भी बनेगा। और अच्छा होता मनीष जी कि अगर उसको न्याय दिलाने की दृष्टि से जिलाधिकारी को आपके ही चैनल के माध्यम से अभी फोन लगाया जाता, बिल्कुल, और उसको न्याय पीड़ित पक्ष को परिचर्चा करते इस कार्यक्रम, लेकिन कभी जो उसको न्याय दिलाने की बात होती है इस परिचर्चा के बाद होती है जी। नहीं, अगर फोन मिला दिया जाता कि राशन कार्ड नहीं बना अभी तक, दिलीप इस बारी बातचीत में, और अगर उसको उपलब्ध दिलीप श्रीवास्तव जी आपकी भावना से मदद कराई जाए जी, आपकी इस भावना से पहले ही मैंने अपने साथियों से कहा हुआ है, मैंने पहले भी कहा हुआ था, और मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम के दौरान ही या तो जिला पूर्ति अधिकारी या फिर जिलाधिकारी, इनसे हमारी बात हो, और जो संवाददाता है उसने वहाँ के अधिकारियों से क्या बात की, हम वो भी जरूर आपके सार्वजनिक तौर पर ये बात कहेंगे। हमारे साथ एक दर्शक मौजूद, हम उनसे बात कर लेते हैं। चंद्र प्रकाश जी हैं, मेरठ से ही हैं। चंद्र प्रकाश जी, स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे आप इस मुद्दे पर? मनीष जी नमस्कार। जी नमस्कार चंद्र प्रकाश जी, बताइए। मैं कुरुक्षेत्र हरियाणा से बोल रहा हूँ। जी माफ करिएगा, कुरुक्षेत्र हरियाणा से चंद्र प्रकाश, ठीक है, बताइए, बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि राशन कार्ड की आप बात कर रहे हैं मनीष जी, मगर बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि नारी की देख किस तरह से दिल्ली में रौंदा गया, आम आदमी पार्टी के एक एमएलए ने किस प्रकार से एक नारी के देह का शोषण किया था पूरे राष्ट्र ने देखा। इस तरह से अगर राशन कार्ड बनेगा तो गरीब के साथ तो अत्याचार है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि राशन कार्ड बन गया, उसके बाद उसको उधेड़ दिया, पीले नीले काले इन राशन कार्डों हरे राशन कार्ड में वो उलझा दिया, बच्चा पढ़ने गया तो उसको डाल दिया अंत्योदय के नाम पर भीख, उसको डाल दिया मिड डे मील जिसमें चूहे मरे हुए और वो बच्चा खा रहे चावल। ये मिड डे मील की भीख देने के बाद जब वो बच्चा कॉलेज में जाता है तो उसको, मैं चंद्रप्रकाश जी शुक्रिया आपका जो आपने बात कही है, आपने जो लाल फीताशाही की बात की जिससे इस कार्ड बन रहे हैं इसमें उलझा दिया गया, ठीक बात है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित गुप्ता इसमें मौजूद है जौनपुर से। अमित जी, हम जरूर आपसे ये बात जानना चाहेंगे कि इस परिवार की दरअसल इस समय हालात क्या है वो हम जानना चाहेंगे, हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं वो भी जानना चाहेंगे, और हमारे जो तमाम दर्शक जुड़े हुए इस वक्त हमारे साथ वो भी जानना चाहेंगे। परिवार के बारे में बताइए, और साथ ही साथ ये जरूर बताइएगा कि भाई जब दिलीप श्रीवास्तव यहाँ पर कह रहे हैं सब कुछ ऑनलाइन है, सब कुछ तो ट्रांसपेरेंट है, सब बहुत बढ़िया है, तो ये फिर परिवार परेशान क्यों हो रहा है? ये इस बढ़िया माहौल में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, या बढ़िया माहौल इसके मुताबिक नहीं है? जो पढ़ी लिखी नहीं है, मैं मानता हूँ। ताहिरा जी, ताहिरा जी मुझे मालूम है, ऑनलाइन कैसे करेंगी? ताहिरा जी मुझे मालूम है, जिम्मेदार ऑफिसर्स होते हैं जो, ताहिरा जी वो भर के देंगे फोन, मैं इस बात को समझ रहा हूँ। ऑनलाइन की बात कर रहे हैं, सब डिजिटल इंडिया कर दिया ऑनलाइन, अभी और भी चीजें बताएंगे ताहिरा जी। गरीबों का खाता सिर्फ मोदी सरकार द्वारा खुलवाया गया प्रधानमंत्री जनधन योजना से द्वारा, और आपने जो अंत्योदय पे प्रश्न चिन्ह लगाया है तो लंबी सारी केंद्र की योजनाएं पढ़ लीजिए, और जो राज्य सरकार ने जो करके दिखाया है, दिलीप श्रीवास्तव जी योजनाएं, दिलीप श्रीवास्तव जी मुद्दे पर हम रहे मोदी सरकार ने, मैंने ये नहीं कहा कि सब कुछ बुरा कर रहे हैं आप दिलीप श्रीवास्तव जी, शायद आपने भी तमाम गरीब लोगों के खाते खुलवाए होंगे दिलीप श्रीवास्तव जी। दिलीप श्रीवास्तव जी, आपसे ज्यादा बेहतर तरीके से सरकार की जो अच्छी योजनाएं हैं उनके बारे में हम उसको प्रचार भी करते हैं और उसकी बात भी करते हैं, लेकिन जो गलतियां हैं उसकी तरफ आपको ध्यान दिलाना भी मेरा कर्तव्य है, मेरा काम है, और उसकी मजम्मत करना भी मेरा धर्म बनता है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित गुप्ता मौजूद है इस वक्त, हम जरूर उनसे जानना चाहेंगे इस परिवार के हालात ऐसे क्यों हैं। मैं जरूर जानना चाहूंगा। अमित गुप्ता, आप तक मेरी आवाज मिल रही है? जी बताइए, बोलिए।
जी बोलिए। मनीष जी, बहुत दुख होता है इस परिवार के पास जब हम लोग गए और 3 दिन से अन्न का एक दाना नहीं था और उसके 3 बच्चे जो भूख से बिलख रहे। जी जी अमित, आपको मैं रोक रहा हूँ, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ में जिला पूर्ति अधिकारी जौनपुर के अजय सिंह साहब मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अजय सिंह साहब, ये जौनपुर का ही एक मामला हमारे संज्ञान में आया है जहां पर एक परिवार को राशन कार्ड नहीं मिला और इस परिवार की हालत ये है कि ये परिवार बिल्कुल एकदम भूखों के मरने कगार पर है। कुछ इसके बारे में जान रहे हैं आप? मीडिया में खबरें आई हैं, मुझे लगता है आप तक भी पहुंची होंगी खबरें। अजय सिंह जी आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? चलिए, अमित हमारे साथ मौजूद है। अमित, आप अपनी बात को पूरा करिए, तब तक हम अजय सिंह से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। अमित, अपनी बात कहिए आप। अमित गुप्ता, चलिए हम जरूर इनको दोबारा फोन लगाना चाहेंगे। ये एक बात ठीक कही थी ताहिरा हसन जी, और मैं इस बात को मैं संवाददाता के जरिए आपके सामने रखना चाह रहा हूं। मुझे भी मालूम है कि जैसा मैंने कहा कि जिस व्यक्ति को कुछ मालूम ही नहीं है कि क्या ऑनलाइन है क्या कंप्यूटर, वो तो खड़ा हुआ, साहब हमारा बना दो, हमारा राशन कार्ड बना दो, और ऐसे में ही ऐसे लोगों का लोग फायदा उठाते हैं। तो प्रक्रिया में चैन कहीं टूटी है, या तो जो समाज सेवक टाइप के लोग होते हैं जो समाज में रहते हैं, कहते हैं चलिए भाई हम आपका राशन कार्ड बनवा देते हैं। संगठन के माध्यम से कई राजनीतिक दल संगठन के माध्यम से भी ये कार्य करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मामला। अजय सिंह हमारे साथ मौजूद है, डीएसओ है यानी कि डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर है जौनपुर के। अजय सिंह जी, क्या ये सावित्री देवी का मामला आपके संज्ञान में है? इनके परिवार में राशन कार्ड नहीं है, और मात्र राशन कार्ड वाली बात नहीं है, मामला ये कि इनका परिवार भूखे मरने कगार पर आ चुका है, ना तो पैसा है ना दवा है, बीमार पति है और राशन कार्ड है नहीं, सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं। डिटेल आप करा दीजिए, हम देखेंगे गांव कौन सा है उनका। जी सावित्री देवी, गांव कौन सा है सावित्री देवी का? मैं आपको इस बारे में पूरी डिटेल, हमारे संवाददाता अमित गुप्ता है जो की आपसे मिलेंगे, और उन्होंने मुलाकात की भी है जिलाधिकारी से। हमारे यहाँ चीफ सेक्रेटरी महोदय के निर्देश पर जी पूरे प्रदेश में जी किसी एक जिले में नहीं पूरे प्रदेश में कार्य योजना के अंतर्गत सत्यापन टीमें लगाई गई हैं जी, जो हर गांव में डोर टू डोर जाके सत्यापन कर रही हैं कि कौन अपात्र उसमें आ गए हैं और जो भी पात्र लोग छूटे हुए हैं। हाँ। तो जो पात्र लोग छूटे हुए हैं उनका एक फॉर्म प्रस्तावित है वो भरा के जी, और वो खुली बैठक के गांव सभा के माध्यम, चूंकि राशन कार्ड से ग्राम सभा का मैटर रहा है जी, ग्राम सभा जब हमारे पास भेज देंगे के माध्यम से। जी अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, मैं स्वागत करता हूँ ऐसे किसी भी प्रयास का जिससे कि आप व्यवस्था को बेहतर कर पाए। आप हमारे साथ बने रहिए अजय सिंह जी। हमारे साथ में ताहिरा हसन जी हैं जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो कुछ सवाल आपसे करना चाह रही हैं। ताहिरा हसन जी, आप अजय सिंह जी हैं जो कि जिला आपूर्ति अधिकारी हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे अगर कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। जी नमस्कार जी, बताएं जी। जी मैं मेरा ये कहना है कि जब आप जी डोर टू डोर जाके सत्यापन हो रहा है तो अजय जी, अब आपको ये देखना होगा, और अकाउंटेबिलिटी टेबल पे फिक्स कीजिए। जी पूरे जिले में सत्यापन का कार्य चल रहा है और उसमें जो भी अपने स्थानीय वहाँ पे ग्राम प्रधान है या जो सत्यापन के लिए सेक्रेटरी लेखपाल लगे हुए हैं, आंगनबाड़ी लगी हुई है, तो उनसे संपर्क करके। ये रामनगर का सुइथा गांव है अजय सिंह जी? रामनगर सुइथा तला। हेलो, रामनगर ग्राम है? जी जी, रामनगर का ही एरिया जो मेरे पास खबर आई है, जो मेरे पास ये लिखा हुआ है, सुइथा तला है। सुइथा तला ब्लॉक है जी, सुइथा तला। ग्राम सभा क्या है जी? ग्राम सभा इसमें ये सुइथा ब्लॉक है और रामनगर गांव है। रामनगर ग्राम है, रामनगर ग्राम है। सावित्री देवी का नाम जी, हमारे संवाददाता आप तक जरूर ये जानकारी पहुंचाएंगे। जरूर जानकारी करें, निश्चित रूप से उनका हम सत्यापन करके तुरंत उनका कार्ड बनाने का काम करेंगे। जो ही हम लोग सूचना मिलती है अलग से भी इंस्पेक्टर को वहाँ से भेजेंगे, तो सत्यापन टीम को इस बात का अवगत कराए और उनका फॉर्म भर के। अजय सिंह जी आप सक्षम अधिकारी हैं, बड़े काबिल अधिकारी हैं, आपका नाम हमने सुना हुआ है, हम जरूर ये बात आपसे जानना चाहेंगे। क्या इस बात को आप आश्वस्त कर पाएंगे टेलीविजन चैनल पे कि ये चलिए ये मामला हम जौनपुर में कम से कम अंतिम समझे, जौनपुर में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं रहेगा जो कम सरकारी योजनाओं के अभाव में। और हम बताए ना क्या पहले की हमने जितने भी मीडिया के
जो भी माध्यम है, प्रेस मीडिया है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या अन्य जनप्रतिनिधि भी है, उनसे हमारा गुजारिश है कि जो भी इस तरह से अगर प्रश्न उनके संज्ञान में आते हैं तत्काल अवगत कराएं, ताकि हम लोग जिला स्तर पर अपनी भी टीमें भेज के या तो स्थानीय स्तर पर अपने ग्राम प्रधान, सेक्रेटरी, लेखपाल, उनसे संपर्क करके अपना फॉर्म जो है वो पूर्ण करके दें और हम तत्काल उनको शामिल कराते हुए इस योजना का लाभ दें। चलिए, शुक्रिया अजय सिंह जी हमसे बात करने के लिए। अच्छा लगता है ये बात करने में। मुझे लगता है कि कम से कम ये मामला अगर एक संज्ञान में आया तो ये मामला पहुंच गया और मुझे लगता है कि शायद अगले एक दो दिन में सारी प्रक्रिया के बाद में उस घर को राशन मिलने लगेगा। लेकिन मसला सिर्फ एक परिवार का नहीं है, एक व्यक्ति का नहीं है, मसला पूरे सिस्टम का है। क्या हर एक आदमी का नाम जब चैनल पर आए कि इस परिवार को राशन नहीं मिल रहा है, क्या तभी अधिकारी हरकत में आएंगे, या चैनल पर खबर आए उससे पहले ही अधिकारी चीजों को दुरुस्त कर लें? मामला सिस्टम का है और सिस्टम में अगर गड़बड़ी है तो सरकार दोषी होती है, अधिकारी अगर काम नहीं करते तो सरकार दोषी होती है। तो मसला फंसता वहीं पर है जहां आप समझ रहे हैं और इसी बात को हम भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा होता क्यों है। एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद में तुरंत लौट कर आते हैं। देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। पहले करोड़ों की चपत लगाई, फिर प्रमोशन की खाई मलाई, संजीव सरन का ऐसा करम, एके जैन ने फोड़ा लेटर बम। देखिए आज का मुद्दा अमिताभ अग्निहोत्री के साथ सिर्फ के न्यूज पर। है मजा से हट भरा, गोल्डी हींग का तड़का, गोल्डी की हींग श्रृंखला जिसके कण कण में जान है। गोल्डी हींग, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। कब्ज, एसिडिटी, गैस, इन सभी समस्याओं का समाधान है आयुर्वेदिक कायम चूर्ण। रात में एक चम्मच, दिन भर लो माजमा। जब साथ हो एक्वालाइट तो हर रास्ता बन जाता है आसान और हर मंजिल करीब। स्टाइलिश, कंफर्टेबल एंड लॉन्ग लास्टिंग एक्वालाइट, मजबूत कदमों का मजबूत साथ। सर्वो कॉर्न 25 सालों के भरोसे के साथ भारत के सबसे बड़े सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर निर्माता। सर्वो कॉर्न, रखे सब कंट्रोल में। आपका बेस्ट सोप देना सर, द मोस्ट प्रीमियम एंड 100% प्योर वेजिटेरियन सोप्स ऑफ इंडिया। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। वेलकम बैक, मैं हूं आपके साथ मनीष वाजपेयी। बात एक परिवार की या एक व्यक्ति की नहीं है, और एक व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है और बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि वो व्यक्ति पूरी समाज की कहानी कहता है, सिस्टम की कहानी कहता है। वो व्यक्ति अकेला नहीं होता है, उस एक व्यक्ति के जैसे कई और व्यक्ति होते हैं, कई और परिवार होते हैं। इसीलिए वो एक व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है और इसीलिए एक व्यक्ति की कहानी एक बड़ा मुद्दा बनती है। हमारे साथ में खास मेहमान लगातार मौजूद हैं, हमारे साथ तमाम दर्शक मौजूद हैं और उनके विचार भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। टेलीविजन स्क्रीन पर हमारा नंबर चल रहा है लगातार। आप अगर इस विषय पर फोन करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं तो हमें आप फोन कर सकते हैं। प्राथमिकता है आपकी आवाज, हम तमाम सत्ता के जो लोग हैं, बड़े लोग हैं, उन तक पहुंचाते हैं। अलीगढ़ से योगेश हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। योगेश जी स्वागत है आपका, क्या कहना चाहते हैं आप? जी सर, मैं राशन कार्ड की जानकारी के लिए कॉल की है मैंने। जी बताइए। जी मैं जानना चाहता हूं कि जो ये राशन कार्ड का सत्यापन चल रहा है, इससे क्या राशन कार्ड सही प्रकार से बन पाएंगे? जी आप बताइए, आपका अनुभव क्या कहता है? सत्यापन का मतलब ये है कि जो गलत है वो बाहर निकलेंगे, जो सही है वो अंदर आएंगे। इसमें आपको कमी कहां पर लग रही है, आपको दिक्कत कहां पर आ रही है और ग्राउंड रियलिटी क्या है योगेश जी, ये आप ही तो बेहतर बताएंगे क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं।
जी जी मैं गांव का ही एक व्यक्ति हूँ, अलीगढ़ के गांव का एक व्यक्ति हूँ जी। और जैसे कि मेरा मानना है, मैंने बहुत नजदीकी से देखा है जी, जो कि राशन कार्ड का सत्यापन होता है एक प्रेरक आंगनवाड़ी या फिर ग्राम पंचायत अधिकारी या फिर लेखपाल, इनकी ड्यूटी लगी हुई है ठीक है, और वे लोग अपना काम पूरे अच्छी तरह से ढंग से नहीं कर रहे हैं, ये क्या मामला है जी? अच्छी तरह से ढंग से नहीं कर रहे, कैसे कर रहे हैं, क्या लगता है आपको, क्या करते हैं? घर एक घर में बैठ जाते हैं और मंगा सब बना लेते हैं, मन की मर्जी है, जिसको रखा रखा, जिसको निकाला उसको निकाला, ऐसा कर रहे हैं? नहीं नहीं, गरीबी रेखा से नीचे का वो जॉइंट किया है ना जी, तो उससे उससे हेलो जी बोलिए बोलिए जी, जैसे के उससे क्या तुम्हारा, जैसे कि हमारा किसी, जैसे हमारा आधार कार्ड लिंक कराना है राशन कार्ड पे, तो वो तो उसमें भर के ले जाएंगे, तो उससे क्या हमारा राशन कार्ड कंप्यूटर पर फीड हो पाएगा? नहीं हो पाएगा सर, ऐसा हुआ किया एक बार हुआ है हमारे पास में। चलिए शुक्रिया आपका योगेश, मुझे लगता है कि बात कमोवेश आपकी ठीक है, काफी हद तक ठीक है, ये सिस्टम की लाचारी है और यही परेशानी है कि एक व्यक्ति जो कि सत्यापन के लिए भेजा गया है, अगर वही अपनी ड्यूटी ईमानदारी से नहीं निभाता है तो एक पूरा का पूरा परिवार उसकी एक छोटी सी लापरवाही वजह से, गलती की वजह से या जानबूझकर जो हरकत करता है उसकी वजह से परेशान होता है एक परिवार, और ऐसे कई परिवार परेशान होते हैं। दिलीप श्रीवास्तव जी, ऐसा होता है और इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं, ऐसा होता है। दिलीप श्रीवास्तव जी, मनीष जी राशन कार्ड की एक प्रक्रिया है, उसमें एक निश्चित भूखंड होना चाहिए, मानक दिए गए हैं जी, चार पहिया नहीं होनी चाहिए, दो पहिया के संदर्भ में भी मानक दिए गए हैं, इन्हीं सभी मानकों के आधार पर राशन कार्ड बनता है। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा लंब या उनके अधीन कोटेदार द्वारा फर्जी इतने राशन कार्ड बना दिए गए, जो लोग मानक के विपरीत, जिनको जिनके पास जो सक्षम व्यक्ति हैं उनके भी राशन कार्ड बना दिए गए। ये लंबे इन्हीं सब चीजों को लेकर सरकार द्वारा, योगी सरकार द्वारा सत्यापन कराया जा रहा है, और आपने देखा होगा किस तरह से गरीबों के राशन की बंदर बांट की गई थी। हाँ। उन सारे चीजों को, भ्रष्टाचार को रोकने की दृष्टि से कि आम आदमी को अंत्योदय के द्वारा आम जो 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 इसके पात्र हैं उनको सीधे राशन मिले, और ये तो मोदी सरकार की देन है। तो मोदी सरकार के द्वारा जिन गरीबों का खाते नहीं खुले थे, प्रधानमंत्री जनधन योजना के द्वारा खाते खोले गए, और हमने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में उत्तर प्रदेश का हवाला दे रहा हूं, गरीब कल्याण कार्ड हमने कहा है, इसको जल्दी हम गरीब कल्याण कार्ड बनाएंगे, जिससे सारी स्वास्थ्य योजनाओं के माध्यम से और जो आम आदमी के लिए उनके राशन से संदर्भित उनका पूरा उल्लेख करते हुए जो इलाज की दृष्टि में उनको लाभ मिल सकता है सरकारी अस्पतालों में, जो उनको दर दर भटकना ना पड़े, इन सब चीजों के लिए हमने वायदा किया, उसे पूरा कर रहे हैं, उसी दृष्टि में उसी दिशा में कार्य भी कर रही है योगी सरकार। और लेकिन अगर एक घटना से परिपेक्ष में पूरी पूरी सरकार पर इस तरह के प्रश्न चिन्ह लगा नहीं 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 देखिए नहीं दिलीप श्रीवास्तव जी मार्च को सत्ता दिलीप श्रीवास्तव जी दिलीप श्रीवास्तव उससे पहले दिलीप श्रीवास्तव जी उससे पहले से सारी चीजें व्यवस्थाएं दिलीप श्रीवास्तव पूरी मनीष जी पूरी बात हो जाने दीजिए हर प्रश्न का उत्तर होता है और शंकायुक्त प्रश्न का कोई उत्तर नहीं होता। अगर आप इसको शंका कह रहे हैं तो हम आपसे ये जरूर कह देते हैं कि देश भर के जितने गरीब है ना, सबसे ज्यादा गरीब उत्तर प्रदेश में है। मैं आपसे शंका नहीं जाहिर कर रहा हूँ, मैं आपसे 100% सच बयां कर रहा हूँ कि ये इकलौता मामला हो। नहीं, दिलीप दिलीप जी मैंने तो आपको बधाई दी, दिलीप मैंने तो आपको बधाई दी कि इस पे परिचर्चा करी गई और उस पीड़ित पक्ष को आपको लाभ मिला, मुझे एक आपके लाभ मिले उसकी दृष्टि से हम सारे लोग अगर इस पे बात कर रहे हैं तो अच्छी बात है दिलीप श्रीवास्तव। लेकिन मैंने उन सारी चीज, लेकिन उस चीज पे आपकी जो हेडलाइन बनी थी अंत्योदय के जो है, अंत्योदय को आईना, ये जानकर ही, यही तो बहुत महत्वपूर्ण बात है ना, सवाल भी है वो है। चलिए हमारे साथ में एक दर्शक मौजूद हैं, आजमगढ़ से खालिद साहब हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। खालिद जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्या कहना चाहते हैं? केंद्र और राज्य सरकार कार्य कर रही है जी, मैं आऊंगा, योगी सरकार अच्छा कर रही है या नहीं कर रही है? मेरा नाम तालिब है। तालिब, ठीक है तालिब साहब, आप अपनी बात कहें। जी ऐसा है, देखिए ये जो कोटा है ना, ये भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी जड़ है जी। गरीब के खाते में अगर जो पैसा डाल दिया जाए वो सबसे अच्छा है। मैं ऑनलाइन अपने ग्राम सभा की बात करता हूँ,
कि मैं निकाला जब ऑनलाइन निकाला कि कितना लाल कार्ड है, तो जिसकी पगार 40,000 थी उसका लाल कार्ड में नाम था, और जो एक विधवा थी, जात की हरजन थी विधवा, उसका मर्द भी मर गया था और कोई बेटी बेटा भी नहीं थे, उसका राशन कार्ड नहीं था, उसका पड़ोसी था, उसके पास बिल्डिंग थी, लड़का सऊदी में था और उसके पास लाल कार्ड था। मैं जब प्रधान से सवाल किया, ये विधवा है, इसके पास ना कोई आल है, ना औलाद है, ना एक बिस्सा खेत है, ना इसका आदमी है, इसको क्यों नहीं लाल कार्ड है? तो ये कहा गया मुझसे कि आपका उससे क्या रिलेशन है। मैं कहा और मेरी माँ तमाम है, गरीब के हाथ में जब तक खाते में पैसा नहीं जाएगा तब तक कोई भी ये राशन कार्ड और जो है कि कोटा कुछ फायदा नहीं है। राशन कार्ड अगर जो देना है, कोटा का राशन देना है, तो गरीब के खाते में सीधे पैसा डालना। अच्छा सुझाव है, अच्छा सुझाव है, और मुझे लगता है कि ऐसे नवीन विचार और ऐसे नए सुझावों पर अमल करना चाहिए, या फिर इसके प्लस और माइनस देख के सरकारों को इस बारे में विचार जरूर करना चाहिए कि जितना ये सब ट्रांसपोर्टेशन में अनाज जो बर्बाद होता है, FCI में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत प्रोसेस से होकर एक घर तक अनाज पहुंचता है, अगर पैसा दिया जाए तो बेहतर रहेगा या नहीं रहेगा, ये सरकारों को सोचना चाहिए। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका तालिब हमसे बात करने के लिए। दिलीप श्रीवास्तव जी, आपने एक जो वाक्य बोला, उस वाक्य पर हमें ऐतराज इसलिए हुआ, आपने कहा कि एक मुद्दे को लेकर, एक उदाहरण को लेकर, एक परिवार को लेकर, एक मसले को लेकर आप योगी सरकार को बदनाम ना करो। तो दिलीप श्रीवास्तव जी, मैं जरूर आपसे कहना चाहूंगा, मेरी कोई नियत नहीं है कि मैं योगी सरकार को बदनाम करूं, और योगी सरकार को बदनाम करने से कुछ नहीं होने वाला है। मैं बात सिस्टम की कर रहा हूं, और सिस्टम की बात अभी भी आप 100% आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये एकमात्र इकलौता ऐसा परिवार है जो कि पीड़ित है। मैं 100% इस बात को कह सकता हूं, ऐसे कई और मामले हैं जहां पर लोग भूख से तड़प रहे हैं, और वो लोग हैं जो कि DM के दफ्तर, DSO तक, या फिर उन्हें नहीं मालूम है कि डिजिटल क्या है, या उन्हें नहीं मालूम है कंप्यूटर क्या है, या उन्हें नहीं मालूम है कैसे अप्लाई किया जाता है। वो एक फार्म के भी 10 रुपए दे आते हैं जो कि फ्री मिलता है जिलाधिकारी कार्यालय में। अब साहब वो क्या करें, बताइए आप, वो कहां जाए, किससे बोले जाके? तो ये तो भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि अपने संगठन के ही माध्यम से सही, अपने जिलाध्यक्ष के माध्यम से ही सही, वास्तविकता के कम से कम भारतीय जनता पार्टी अपने, भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के माध्यम से, आम कार्यकर्ता के माध्यम से, समाज सेवी संगठनों के माध्यम से, जहां तक हो सकता है इन गरीब मजदूर किसान सारे वर्ग के लिए कार्य कर रही है, और सामाजिक दायरे में जो जो मदद हो सकती है, जो सहायता हो सकती है, उनको सहायता भी उपलब्ध करा रही है। जी, ये कुछ घटनाएं हैं। मैं इन संवेदन, मैंने आपको पहले ही बधाई दी कि आपने संवेदनशील और महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाया है जिसपे परिचर्चा हुई, और इस परिचर्चा में काफी चीजें स्पष्ट रूप से आई, और सबसे बड़ी तो बात यह है कि जिला पूर्ति अधिकारी से बात होकर उस पीड़ित पक्ष का राशन कार्ड बनाने की दिशा में कार्य होगा। और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य तो सारे लोग मेरे ख्याल से सहमत ही होंगे कि इसमें बड़ी बंदरबांट कोटेदार द्वारा दिया गया है, जो फर्जी राशन कार्ड बना के अपने आर्थिक हित के लिए उसी का सत्यापन योगी सरकार द्वारा कराया जा रहा है कि वास्तविक पात्रों को उनका लाभ मिल सके। और मनीष जी, ये बात अभी एक दर्शक ने बताया था कि कुछ ये भी होना चाहिए कि सीधे सीधे उसके खाते में, हाँ, लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा, खाते गरीबों के नहीं खुले थे, मोदी सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से करोड़ों खाते खुलवाए गए आम आदमी के, जिनके खाते नहीं खुले थे, खातों के माध्यम से उनको सीधे सीधे जो दुर्घटना बीमा का उसके दायरे में भी वो आ रहे हैं, उसका लाभ आम आदमी को मिलना। इसके बाद आप देखेंगे कुछ ही दिनों में इस दिशा में भी कि सीधे सीधे उनको राशन के दाम जो सरकार तय करेगी, केंद्र द्वारा जो तय होगा खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत, उसके सीधा लाभ उनके खातों में पहुंचेगा। ये पहल मोदी सरकार द्वारा करी जा रही है। तायरा जी, क्या कहना चाहेंगे आप, जो बातें अभी कही दिलीप श्रीवास्तव जी ने, आखिरकार डिफरेंसेस कहां पर पैदा होते? जो कुछ ये बोल रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं, इतना अच्छा लग रहा है सुन के, मुझे लगता है कि हम शायद व्यर्थ ही चिंता कर रहे हैं, हम व्यर्थ ही अंदेशा जता रहे। सब कुछ तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं योगी और मोदी, इस देश में कुछ दिनों बाद में रामराज्य आ जाएगा, मुझे ऐसा लगता है, अगर ये सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से चलता रहा तो कोई दुखी पीड़ित नहीं रहेगा। देखिए, मुझे ऐसा आ जाएगा, आप इंतजार करिए, दिलीप श्रीवास्तव जी तंज नहीं है, इसको आप तंज ना लीजिए। मनीष जी, जो आप कहे वो भी सही नहीं है, मैं
मैं पार्टी का दिलीप श्रीवास्तव जी, मैं अपने ये मेरा दिल है जो वास्तविकता है, वास्तविक तथ्य है दिलीप श्रीवास्तव जी, और मैं वो सत्य का और सत्य। चलिए एक दर्शक हमारे साथ मौजूद है, एक दर्शक को स्वीकार करना चाहिए। मनीष जी आप ही इस प्रश्न का उत्तर, मनीष जी उस प्रश्न का उत्तर दे दीजिए कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत खाते खुले कि नहीं, दुर्घटना बीमा योजना मोदी सरकार द्वारा। कौशल हमारे साथ एक दर्शक है, प्राथमिकता हमारी दर्शक रहते हैं। एक मिनट आप लोग कृपया करके खामोश हो जाएं। कौशल हमारे साथ एक दर्शक मौजूद है आजमगढ़ से, हम उनसे बात कर लेते हैं। दर्शक हमारी प्राथमिकता पर होते हैं इसलिए जरूरी है कि उनका विचार हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हो। कौशल जी स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे आप? कौशल जी आप तक हमारी आवाज मिल रही है? कौशल जी चलिए, हमें लगता है कौशल जी से संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा है। दिलीप जी अगर आपने इस हमारी बात को तंज के तौर पर लिया है, मनीष जी एक महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं मैं अपने वास्तविक तथ्यों को रखने के लिए आया हूं, आपके चैनल बैठूंगा तो मैं अपने तथ्य को रखूंगा। आप बिल्कुल रखिए, स्वागत है दिलीप जी, स्वागत है। प्रधानमंत्री जनधन योजना खाते मोदी सरकार द्वारा खुलवाए गए, आप खाद्य सुरक्षा अधिनियम द्वारा महिलाओं को, गृहणियों को, गृहणियों के नाम मुखिया का, घर का मुखिया गृहणियों को बनाया गया कि नहीं बनाया गया? आम जन को सीधे सीधे लाभ देने का कार्य किया गया कि नहीं किया? किसानों के संदर्भ में अब देखिए, किसान का अभी देखिए जब आप बात कर रहे हैं भूख की और राइट टू फूड की बात हो रही है, किसानों पे गोली चलाई जा रही है तो क्या आप क्या समझते हैं? एक किसान नहीं मर रहा है, हमारे अन्नदाता को दिलीप श्रीवास्तव जी, दिलीप श्रीवास्तव जी हमारे बुजुर्गों ने कहा है, दिलीप श्रीवास्तव जी ताहिरा हसन जी, दिलीप श्रीवास्तव जी, ताहिरा हसन जी मुझे लगता है, ताहिरा हसन जी चीजों को भी जानकारी कर लिया कीजिए कि किस तरह से कांग्रेसियों ने वहाँ पे किस तरह से आप क्यों गोली चलाएंगे? कांग्रेसी गलत, किस तरह से अराजकता फैलाने का कार्य कांग्रेस ने किया था? कांग्रेस ने किया था, हमारे किसान ने तो नहीं। जौनपुर से हमारे साथ एक दर्शक मौजूद है, अहमद है, उनसे बात कर लेते हैं। मैं चाहूंगा कि इनकी आवाज को कम किया जाए ताकि हम अहमद जी की आवाज सुन पाए। अहमद जी स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे आप? सर ये कि लोग ऐसे ही भूखे मरते रहेंगे, नेता कभी जिंदगी लेने को तैयार नहीं होंगे, और प्रशासन इतना लाचार है राशन कार्ड बनवाने को लेकर कि एक ही स्थान पे बैठ के सर्वेक्षण कर लिया जाता है। अधिकारियों से मिले तो वो कहेंगे दूर दूर जाकर, जो कि ऐसा प्रदेश में क्या भाई जिले में कहीं नहीं हो रहा है, व्यक्ति विशेष लोगों का बैठ कर ही राशन कार्ड बना दिया जा रहा है। यहाँ तक इतना बड़ा फर्जीवाड़ा है जिसकी शादी ब्याह भी नहीं हुई है उसके पास राशन कार्ड है, लेकिन जिसको आवश्यकता है राशन कार्ड की उसके पास नहीं है, गरीब की कोई सुनवाई नहीं है, सिर्फ व्यक्ति विशेष देकर कार्य किया जा रहा है। आपका अपना खुद का अनुभव है, ये आप सुनी सुनाई बात को कह रहे हैं, ये और बता दीजिए। मैं दिन भर देखता हूँ अक्सर कि गाँव में जाता हूँ तो लोगों का राशन कार्ड नहीं है, गरीब एप्लीकेशन लेकर कचहरी पे, दिवाली पे, दिवस क्या, हर जगह यानी सिर्फ गरीब ही परेशान है जिसको आवश्यकता है उसको, बाकी सरकारी सेवा का गरीबों को लाभ पहुंच ही नहीं पाता। चलिए अच्छी बात है अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। वैसे तो प्रदीप जी से भी बात करना है लेकिन दिलीप जी के पास मैं फिर आना चाहूंगा। एक फिल्म आई थी नायक, दिलीप जी आपको याद होगा, हम लोग फालतू में इतनी बहस करते रहते हैं एक दूसरे से आरोप प्रत्यारोप, मुझे लगता है कि एक जो फिल्म आई थी नायक उसमें उन्होंने बॉक्स रखवा दिया था, जनता दुखी है तब तक जब तक उस बॉक्स में चिट्ठियां पड़ रही हैं, जब उस बॉक्स में कोई चिट्ठी ना पड़े उस दिन मान जाएंगे कि वाकई अब जनता सुखी हो गई है और आपके जितने भी सरकारी काम है वो बहुत अच्छे हैं। कम से कम ये जो भी दर्शक ने फोन किया ऐसा लगा कि नई चीजें उतनी ठीक है नहीं जितने दावे किए जा रहे हैं, और आपने मेरी बात को तंज के तौर पर लिया। मैं दिल से इस बात को कह रहा हूं, जो बातें आप कह रहे हैं बहुत अच्छी बातें हैं लेकिन बात एग्जीक्यूशन की है। अखिलेश यादव ने भी तो बहुत काम बोलता है कर रहे थे, वो बहुत काम बोल रहा था, बहुत विकास करवाया उन्होंने, लेकिन हुआ क्या? हमारे साथ में कृष्ण प्रताप सिंह जी हैं, इस समय सांसद हैं, जौनपुर के हैं, हम जरूर उनसे बात करना चाहेंगे। कृष्ण प्रताप सिंह जी स्वागत है आपका,
जी कृष्ण प्रताप सिंह जी, कृष्ण प्रताप जी स्वागत है आपका, आप जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हैं। जौनपुर का ये मामला है, ये रामनगर गांव है, सुईथाताल जो ब्लॉक पड़ता है वहां का, और वहां का एक परिवार का मामला है कि उसका राशन कार्ड नहीं बना है। हमने डीएसओ साहब से भी बात की, उन्होंने कहा नहीं तुरंत बन जाएगा, मुझे खुशी हुई, अच्छी बात है। लेकिन मसला ये है कि अगर एक व्यक्ति का मामला अगर टेलीविजन पे आ गया, उसका कार्ड बन गया, तो समस्या दूर नहीं, ऐसे कई और मामले भी होंगे। ये सिस्टम ठीक नहीं हो पा रहा है, सिस्टम कैसे ठीक हो पाएगा कृष्ण प्रताप जी? सुन लीजिए, हमारी पिछली सरकारों की लापरवाही नहीं बना, हमारी ये सरकार जब से आई है जी, अधिकारियों को निर्देश है का कैंप लगा लगा के सबका जो हिस्सा भी है, चाहे राशन कार्ड हो चाहे पेंशन हो वृद्धा पेंशन, ये सब कार्रवाई की जाए जी। अगर छुट्टी है तो पिछली सरकारों की लापरवाही छुट्टी है, कुछ दिन में हम पूरा कर देंगे। क्या आप हमें ये इस बात का आश्वासन देंगे क्या कि आगे कुछ दिनों में आप कोई वक्त देंगे क्या जिसके बाद कम से कम जौनपुर आपके संसदीय क्षेत्र में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो पीड़ित रहे, सरकारी योजनाओं का लाभ उसे ना मिले, क्या आप इस बात का आश्वासन दे पाएंगे? क्या नहीं रहेगा, लेकिन कोई ऐसा नहीं रहेगा, लेकिन व्यक्तियों को भी थोड़ा सा वो होना पड़ेगा कि वो अगर ऐसी कुछ है, अधिकारी नहीं बनाते हैं, कुछ नहीं करते हैं, तो हम लोगों को सूचना दें, अगर नहीं बनता है तो हम लोगों को सूचना देनी चाहिए, थोड़ा सा उनको भी जागरूक होना पड़ेगा। चलिए शुक्रिया आपका, शुक्रिया, हम जरूर आपसे बात करेंगे दोबारा, अगर आपका ये आश्वासन झूठा साबित होता है तो हम जरूर बात करेंगे। अभिषेक है हमारे साथ आगरा से, मौजूद है हमारे सम्मानित दर्शक हैं। अभिषेक जी स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे आप? अभिषेक जी क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? शायद नहीं। प्रदीप सिंह जी अब आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारी बातें दिलीप श्रीवास्तव जी ने कही, बहुत कुछ भ्रष्टाचार हुआ आपके सरकार में, ये बात दिलीप श्रीवास्तव ने कही, बड़े कुपात्रों को राशन कार्ड बांट दिया गया, ये बात कही, तो इतने सारे भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए, खत्म करने के लिए दिलीप श्रीवास्तव जी को वक्त लग रहा है। मैं वहीं से बात शुरू कर रहा हूँ। दिलीप भाई ने कहा कि अपात्रों को राशन कार्ड दे दिया गया जी और सत्यापन शुरू हो गया। अगर अपात्रों को दिया गया और सत्यापन शुरू कर दिया, पहली बार तो आपने आते ही सारे राशन कार्ड कैंसिल कर दिए, क्योंकि उसमें पूछे अखिलेश यादव की फोटो बनी हुई थी। ठीक है, आपने उसको कैंसिल कर दिया और नया राशन कार्ड बना नहीं, तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो आएगी ही। नया राशन कार्ड बनाने के बाद आप सत्यापन भी करते रहते और नया राशन कार्ड बनाते, कम से कम ये दिक्कतें तो आती, किसी के पास राशन कार्ड नहीं है। नहीं तो आप, लेकिन आपने सबसे पहले काम यह किया कि राशन कार्ड कैंसिल कर दिया। प्रदीप जी लाखों लोगों का राशन कार्ड कैंसिल हो गया, ये भी एक व्यवस्था का प्रश्न हो गया। जितना मुझे मालूम है, कैंसिल करने का मतलब ये थोड़ी कि अगले महीने का राशन नहीं मिल रहा। अखिलेश यादव का अगर आप दिखाओगे राशन कार्ड तो राशन नहीं देंगे, राशन तो दे रहे, मतलब ये है कि आगे आने वाले दिनों में इस राशन कार्ड को समाप्त करके एक नई व्यवस्था को लागू किया जाएगा। राशन तो दिया जा रहा है ना, राशन कार्ड निरस्त हुआ है। हाँ, और अगर एक राशन मिल रहा कि नहीं मिल रहा, नई व्यवस्था की मैं बात कर रहा हूँ जी। आपने अभी, आपने एक दर्शक ने कहा कि तालिब ने कहा, हाँ तालिब ने कहा कि सीधे खाते में पैसा जाना चाहिए जी। आजमगढ़ के एक दर्शक ने कहा जी कि सीधे खाते में पैसा जाना चाहिए। हाँ, आपने भी उसका समर्थन किया। हाँ, हम भी उसका समर्थन कर रहे हैं। हाँ, हमारी सरकार जब थी तो समाजवादी पेंशन योजना के अंतर्गत 500 रुपए महिला के खाते में, परिवार की जो महिला होती थी उसके खाते में पैसा जाता था। 55 लाख महिलाएं ऐसी थी जो उससे लाभ ले रही थी। ठीक है, ये सरकार आई तुरंत नहीं, इन्होंने समाजवादी पेंशन योजना बंद कर दी। इनको दिक्कत ये थी कि समाजवादी क्यों लगा उस पे? अरे भाई, आप समाजवादी हटा देते और पेंशन तो जारी रखते, हम उसका कहीं विरोध कर रहे हैं? आपको समाजवादी सबसे अगर इतना प्रतिरोध है तो अटल पेंशन योजना भी तो चल रही है। हमने तो कभी नहीं कहा अटल पेंशन योजना पर रोक लगनी चाहिए, फिर समाजवादी पेंशन योजना पे क्यों रोक लगने लगी? ये सवाल ये है कि अपना आरोप आप अगर दूसरे पे थोपेंगे तो कब तक थोपेंगे? कम से कम 2.5 महीने के ऊपर हो गई सरकार ये। और मैं बेसिक चीज कह रहा हूँ, देखिए बहुत राजनीति करने की बात इसमें नहीं है। आपका जो मुद्दा है बहुत बहुत ही ऐसा मुद्दा है कि उसमें संवेदनशील मुद्दा है, उसमें बहुत राजनीति करने की गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये मुद्दे जो होते हैं इसमें कम से कम गाँव का प्रधान, गाँव का कोटेदार, गाँव का सेक्रेटरी और गाँव का जो लेखपाल होता है, मैं कम से कम चार लोग ऐसे होते हैं जो इसके जिम्मेदार होते हैं। जी, इनके ऊपर जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। हाँ, कम से कम आप कहां से अगर इनका अपात्र लोगों का बना तो आपने क्यों बनाया, और पात्र लोगों का नहीं बना तो क्यों नहीं बना? अकाउंटेबिलिटी कम से कम ये क्या तो ना हुई।
मैं आपको रोक रहा हूँ प्रदीप जी, हमारे साथ दर्शक मौजूद है, वक्त बहुत कम है। इनकी योजना थोड़ा है जी, वो तो कांग्रेस ने लाया, आपने उसको आप लागू करते समय आप आ गए, तो आप उसको अपने खाते में रख रहे हैं। संतोष यादव है हमारे साथ, खाते में आप रख रहे हैं, ये तो लग लीजिए कम से कम। अरे जो चीजें हैं उसको तो आप लागू कीजिए भाई, चीजें हमने लागू की उसकी भी आप प्रशंसा नहीं करेंगे। मैं बिल्कुल प्रशंसा कर रहा हूँ, आपने जनधन की बात की, मैं जनधन की बात मैं प्रशंसा कर रहा हूँ, लेकिन आज जनधन खातों की, आज जनधन खातों। संतोष यादव जी हमारे साथ मौजूद है कानपुर से, मैं उनकी बात ले लेता हूँ, वक्त बहुत कम बचा हुआ है। संतोष यादव जी निष्क्रिय हो गए, अपनी बात रखिए, आप स्वागत है। आपने बैंकिंग प्रणाली ऐसी कर दी, सिंह जी की आवाज थोड़ा कम की जाए ताकि हम जी। संतोष जी अपनी बात कहिए आप। हाँ सर नमस्कार जी, नमस्कार। मैं कह रहा हूँ कि पहले मैं मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो मैं पोस्टमार्टम था, पोस्टमार्टम के तहत डीएम ने ये अधिकार दिया था कि हम लोग खेत में राशन कार्ड बनवाने के लिए फॉर्म भर सकते हैं और उनको लगा सकते हैं। मैंने हजारों राशन कार्ड बनवाए। दोबारा जब मोदी जी की सरकार आई तो फिर फॉर्मेट बदला गया, मैंने हजारों फॉर्म अभी भी मेरे घर में रद्दी पड़े हैं, फॉर्मेट बदल दिया मोदी जी ने। और फॉर्मेट बदलने में जनता तीन बार आई और दोबारा फॉर्मेट जब बन के फॉर्म जमा किए गए तो बोले अब ऑनलाइन बने जाएंगे। ऑनलाइन में जब मैं क्षेत्रीय यारों से बात करता हूँ तो वो कहते हैं सर्वर में, और हमारे क्षेत्र के हजारों लोग परेशान। तो ये जनता के साथ ऑनलाइन और ना इतनी पढ़ी लिखी जनता इस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है, सीधे उनके खाते में पैसे डाले, लेकिन जनधन खाते में अगर इन्होंने डाला खोले तो उनके खाते में नोटबंदी के दरमियान उनके पैसे आ गए और खाते तो बंद कर दिए इन्होंने। जी 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 जी, खाते तो इन्होंने बंद कर दिए, उससे पैसा वो निकाली जा सकता है। जनधन खाते में 2.5 करोड़, अगर 22 करोड़ खाते खोले तो ये आसान थोड़ी किया, लेकिन इनको तो बेईमान साबित कर दिया इन्होंने। शुक्रिया आपका संतोष, बहुत बहुत सही बात आपने कही है। अगर अधिकारी कोई गलत काम करता है तो उसका ट्रांसफर हो जाता है, उसका सस्पेंशन हो जाता है। सरकारें अगर कोई गलत काम करती हैं, उनके एक निर्णय से सब कुछ तहस नहस हो जाता है, तो क्या कभी उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है? ये एक बड़ा सवाल अब इस कार्यक्रम के अंतिम वक्त में हमारे सामने आया है और निश्चित तौर पर ये सवाल उठना भी चाहिए। बहरहाल चूंकि अब वक्त नहीं है और हमें इस कार्यक्रम को यहीं पर वाइंड अप करना है, लेकिन ये सवाल हम जरूर आगे कभी उठाएंगे कि सरकारें अगर कुछ गलत करें जिसके चलते पूरी की पूरी प्रजा परेशान हो जाए तो उस वक्त किसको दंडित करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, ये एक बड़ा सवाल है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप तमाम तीनों मेहमानों का, ताहिर हसन जी आपका भी बहुत शुक्रिया, दिलीप श्रीवास्तव जी आपका भी शुक्रिया और प्रदीप सिंह जी आपका भी शुक्रिया। लेकिन ये जरूर बात है कि अगर एक व्यक्ति भी परेशान है ना तो आपकी अंत्योदय की जो धारणा है उस पर आघात पहुंचता है। कोशिश करिएगा कि हर एक व्यक्ति सुखी हो और उसको सुख देने का प्रयास करिएगा जरूर, सत्ता के माध्यम से, संगठन के माध्यम से, और हाँ आपके जो अपने लोग हैं उनके माध्यम से, क्योंकि तभी जाके अंत्योदय की धारणा सही मायने में चरितार्थ हो पाएगी। जैसा कि आप लोग हमेशा कहते हैं, ये मैसेज सत्ता के लिए और संगठन के लिए, उन लोगों के लिए जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय को बहुत पूज्य मानते हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।